हेलो स्टूडेंट्स, ओलंपियाड के लिए एक बेहतरीन सवाल है। ए बाय ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस वन विच इज गिवन टू अस सेवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव इट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर तो ऐसे ही देखने को मिल जाएगा ना। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। This information is given to us. We can write down a square plus 3a plus 1 by a as 1 by 7. दोनों तरफ पलटते हैं, ठीक है? And divide each term by a. Then we'll clearly see that a square by a प्लस थ्री ए बाई ए प्लस वन बाई ए विच इज इक्वल्स टू वन बाई सेवन। नाउ फ्रॉम दैट पार्ट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ए प्लस थ्री प्लस वन बाई ए विच इज इक्वल्स टू वन बाई सेवन। सो ए प्लस वन बाई ए कितना बनेगा? वन बाई सेवन माइनस थ्री, दैट मीन्स माइनस ट्वेंटी बाई सेवन। चलो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नाउ ग्रैब दैट पार्ट। वी कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर सेक्शन। ए स्क्वायर बाय, इफ यू टेक ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। वी कैन राइट डाउन दैट टर्म एज a square plus 1 by a square plus 2 into a into 1 by a plus 1. Clearly, ये दिख रहा है a plus b whole square का formula है। So, ये बनेगा 1 by a plus 1 by a उसका whole square plus 1. a plus 1 by a हम लोगों को कितना है? minus 20 by 7. उसका square कितना बनेगा? 400 by 49 plus 1. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 by 449 by 49. पलट तो इसको, तो आंसर क्या आएगा? 49 by 449. ट्रिकी सवाल है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देख कर कोई वाला टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है फॉर ओलंपियड। ओके, thanks for watching this video and please share this video among your friends. धन्यवाद।